Hi guys, welcome and welcome back to my channel Explore with Suman. I hope you all are doing good. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज हम आए थे आमा कैफे, आप पीछे देख सकते हैं. हम पहले भी आमा कैफे आए थे लेकिन इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है. आज हम देने वाले हैं 1K की पार्टी और हमेशा की तरह गीतू और फरा मेरे साथ है. तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जाने वाले हैं. वैसे तो प्लान कहाँ का है? आमा कैफे. लेकिन उसके अलावा देखते हैं अगर कोई और अच्छा ऑप्शन होता है तो. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज आमा कैफे की लोकेशन मैं आपको पहले वाले ब्लॉग में अपने दिखा चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. सबसे इजी वे है ये आमा कैफे तक पहुँचने का. आज सैटरडे था जिस दिन हम गए थे, बट हमेशा आपको यहाँ ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी. चलिए आमा कैफे के हाल ये था आमा कैफे का एंट्रेंस. चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमें सीट मिलती भी है नहीं. एंट्री करते ही आपको इनके फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे ओपन किचन देखने को मिल जाएगा. बेसिकली ये इनका बेकरी सेक्शन है और जैसे ही मैं टेबल बुक करने गई ही वॉज लाइक मैम 2 hours से ज्यादा का टाइम लगेगा, इसलिए हमें यहाँ का प्लान कैंसिल करना पड़ा. प्लान में थोड़ा चेंज है. हम गए थे आमा कैफे लेकिन वहाँ वेटिंग थी, तो हम अब जा रहे हैं कहाँ? अब हम जाने वाले हैं नॉर्मल कैफे. फरा आने वाले हैं, गीतू मेरे साथ है. तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि क्या होने वाले हैं. सो गाइज आप जब भी आमा कैफे के लिए आए तो प्लीज एक्स्ट्रा टाइम लेके आए, नहीं तो आपको भी हमारी तरह डिसअपॉइंट होकर जाना पड़ेगा. तो चलिए अब चलते हैं नॉर्वन कैफे जो कि आपको आमा कैफे के थोड़ा सा पास ही मिल जाएगा. नॉर्वन कैफे भी मजनू का टीला में वन ऑफ द बेस्ट कैफेज में काउंट होता है. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमें सिटिंग मिलती है या नहीं. दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि इन्होंने मुझे आमा कैफे बोला था, मैंने बोला था वहां. और दुख की बात एक और है कि हमें लिफ्ट नहीं मिली, हमें पहले चल के जाना पड़ रहा है. सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करके मैं फोर्थ फ्लोर पे पहुंची हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ के हाल भी आमा कैफे वाले थे. यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम रश था. अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद ये सैटरडे की वजह से है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. आप वीक में किसी भी डे चले जाइए, आपको ये कुछ कैफेज तो ऑलमोस्ट फुल ही देखने को मिलेंगे. यहाँ भी वेटिंग. नॉर्मल कैफे में आपको 2 floors पे सिटिंग देखने को मिल जाएगी. एक तो इनकी 4th floor पे सिटिंग थी और सेकंड सिटिंग आपको रूफ टॉप पे देखने को मिल जाएगी जो कि 5th floor था, जहाँ से सिग्नेचर ब्रिज का व्यू दिखने वाला है. बोलो बोलो. नहीं नहीं बोलो गाइज. अगेन प्लान में चेंज है. अब हम कहाँ जा रहे हैं? पूल कैफे. इन्होंने वहाँ मुझे बैठा कर और ये दोनों घूम रहे आराम से और उसके बाद मुझे सिटिंग भी मिल गई और इन दोनों ने मुझे कॉल करके वापस बुलाया. ये भी मना है क्योंकि हमें पूल कैफे बहुत अच्छा लगा सच में. और अभी आपको जाके दिखाने वाले कैसा है. पूल कैफे आपको नॉर्मल कैफे और आमा कैफे से थोड़ा दूर देखने को मिलेगा, बट क्या व्यू था गाइस पूल कैफे का, इतनी बढ़िया सेटिंग. चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ. आपको उसके आसपास और भी कैफेज देखने को मिल जाएंगे. ये इस वाले रोड पर है. रोड के हाल थोड़े बुरे हालत देख लो आप लोग, इन दोनों ने क्या किया है. और ये दोनों अंदर है, मैं जाने वाली हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत ही बेकार रोड है, मतलब अगर आपको अंदर आना है ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. हिल पैर के तो बिल्कुल बताई मेरी तरह. तो फाइनली इतना स्ट्रगल करके मैं पूल कैफे तक पहुंच चुकी थी. बाहर से कुछ ऐसा व्यू था, अंदर आप पूल एंड कैफे साथ में देखने को मिलने वाला. थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं ना, तो चलिए अंदर चलते हैं. उल्टा है. इसको ये पकड़ना चाहिए ना, इसको ये पकड़ना. बेवकूफ हो तुम. क्या कर रहे तुम दोनों? मेरे लिए केक लेके आए हैं और ये मैं पूरा खाऊंगी, इसको नहीं दूंगी. अरे हाँ मैं भूल कैसे गई. अच्छा वैसे तो गाइज ये पार्टी थोड़ा पहले हो जानी चाहिए थी, बट हम थोड़ा लेट हैं. फिर भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने. पूल कैफे में आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिलने वाले हैं. उसके अलावा आपको यहाँ मॉकटेल कॉकटेल सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे. मुझे इनकी सिटिंग पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी. इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है. आपको कैफे देखने को मिल जाएगा, ठीक उसके सामने आपको पूल व्यू देखने को मिल जाएगा जिसका शायद ये 100 rupees चार्ज करते हैं फॉर 1 hour. तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं हमें मंगवाना क्या है, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. अभी भी कंफ्यूज है क्या तू? कॉन्ग्रेचुलेशन और सेलिब्रेशन. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. बहुत ज़्यादा ही
क्या कैसे खाएं? हम वीडियो शूट करें कैसे खाएं? ये देख ऐसे खाते हैं लेकिन मैं लिप्स पे लग गया था सारा ऐसे खिलाया जाता है दोनों को वैसे खिला दिए तुम से खुद का लाया के खुद ही भरे जा रहे हैं दोनों देखो देखो ये बस मैंने कैमरा ऑन करा इसलिए मेरे पास नहीं सो अगर आप लोग मुझे जानते हैं या थोड़ा टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी बड़ी कॉफी लवर हूँ। सो हमारा सबसे पहला ऑर्डर आ चुका था जो कि था कॉफी विद आइसक्रीम एंड ओरियो। पेस्ट्री दिख रहा है यार। सो गाइज हमने तीन चीजें ऑर्डर की थी। फर्स्ट था पिज्जा, सेकेंड था फ्राइड फिश एंड थर्ड वन इज फ्राइड राइस। सारा मजा खराब होता है ऐसे कामों में। अच्छी दिख रही है यार ये तो छत क्या नहीं है इसमें इसने पीछे देख के छतरी वाला ऑर्डर करा था उसमें छतरी नहीं अभी ऐसे कर रही है दो नौकरी लेके जाएगी क्या मुझे लगा था दो मिलेंगी तो तू क्या सोच रही है दो में सीना नहीं दो ऑर्डर करते मतलब चार छतरी आती ना तो हम तीनों बांट ले थोड़ा यूनिक बाउल है ना बस यही ऑर्डर करना और कुछ भी आने वाला है खा लोगे तुम लोग सब खा लेगी तू सब खा लेगी तू इतना है तेरे पास मतलब बस झेल लेंगे ये सब है ये इनका हमेशा का है ये तो गिर जाएगी नीचे चल बहुत टेस्टी है राइस का मुझे डाउट हो रहा है पता नहीं क्यों बिल्कुल प्लेन लग रहे हैं ना यार ये तुमने ड्रिंक्स नहीं पी तुम लोगों ने ना ये नहीं पी सो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बेसिकली हमने प्लेन फ्राइड राइस ऑर्डर करे थे पहले लेकिन वो ज़्यादा प्लेन लग रहे थे मुझे देखने में सो फिर हमने बाद में उसे चिली गार्लिक फ्राइड राइस में चेंज करवा दिया था उसके बाद जो राइस आए वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे गाइज इनका फूड ऑलमोस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात ये इतना ज्यादा रीजनेबल था मैंने ये बात हमेशा नोटिस करी है मजनू का टीला के सारे कैफे आपको पॉकेट फ्रेंडली देखने को मिल जाएंगे इतनी अच्छी सेटिंग इतना अच्छा एम्बियंस उसके बाद भी सब कुछ इतना रीजनेबल सो फाइनली हमारा बिल आ चुका था और आप बिल सुनेंगे गाइस तो शॉक्ड हो जाएंगे ओनली 1200 रुपीस का बिल था और हमने इतना कुछ खाया था ना उसमें तो चलिए पहले बिल पे करते हैं उसके बाद हम थोड़ी सी फोटोज खिंचवाएंगे बाहर इतना अच्छा व्यू था ना इनका पूल एरिया आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा अगर आप गेट से एंट्री करते हैं तो ठीक सामने आपको पूल देखने को मिलेगा रात में यहाँ लाइव कॉन्सर्ट भी होते हैं अगर आप रात में आना प्रेफर करते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं आप और ज्यादा इंजॉय करेंगे
इनकी सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत फ्रेंडली था। यहाँ आपको बाहर स्मोकिंग एरिया देखने को भी मिल जाएगा, तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम आ गए थे मंदिर वाली साइड पर क्योंकि हमें लाफिंग ट्राई करनी, जो कि हमने मंदिर के सामने से लिया था। ये आपको 50 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। टेस्ट वाइज ये ओके था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है गाइज, मैंने 1K कम्प्लीट कर दिया है ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो चलिए मैं जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर।